असलम गाजी, और आज हम जा रहे हैं मोस्ट फेमस आर्मी म्यूज़ियम लाहौर में। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ओके, सो राइट नाउ आई एम परचेजिंग द टिकट्स। अच्छा, तो उसके बाद मैंने इधर इंडियन वॉर टैंक्स देखे। देयर वर अराउंड 17 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडियन वॉर टैंक्स, और ये सारे पाकिस्तान ने वॉर्स के ड्यूरिंग इंडिया से कैप्चर किए थे टैंक्स। Then I saw a cobra attack helicopter. Okay, so right now I'm inside the museum, और इधर कायद आज़म को सामने दिखाया हुआ, साथ फातिमा अली जिन्ना भी है और कुछ ब्रिटिश भी हैं, और ये दिखाया हुआ है कि हाउ वर द ब्रिटिश टूवर्ड्स पाकिस्तानीज इन 1947। एक मुगल सोल्जर की एग्जैक्ट रेप्लिका है। उसके बाद मैंने इधर कुछ वेपन्स वगैरह देखे और उनके कोई रेडियो सिस्टम्स वगैरह देखे, उस टाइम वो बातचीत कैसे करते थे और लड़ाइयाँ कैसे होती थी। और ये हमारे एक पाकिस्तानी वॉरियर का पूरा कॉस्ट्यूम या फिर सूट। ये वाले चाचा जी मुझे बड़े पसंद आए थे, इसलिए मैंने सोचा कि सर एक सेल्फी ले लूं। मसला तो तब पेश आया जब मुझे डिस्क्रिप्शन उर्दू में पढ़नी पड़ गई। ने मेरे मेज जैसी बनाई हुई थी जिसके थ्रू वो अपने डिफरेंट रूम में लेके जाते थे। एंड दिस एरिया वाज पर्सनली माय फेवरेट क्योंकि इसमें सारे पाकिस्तानीज को रिप्रेजेंट किया हुआ था। अच्छा, तो अभी मैं म्यूजियम की बैक साइड पर आ चुका हूँ। इधर मुझे कुछ और ज़्यादा पाकिस्तानी टैंक्स नज़र आ गए जो पाकिस्तान ने खुद बनाए हुए हैं या फिर पाकिस्तान की आर्मी में यूज़ होते हैं। और ये वाला तो बेस्ट टैंक था जो किसी बैक साइड ओपन थी और हम इसके अंदर जा भी सकते थे और एक्सपीरियंस कर सकते थे क्या टैंक के अंदर बैठने के किस तरह का नज़र आता है और व्यू क्या होता है। बाद मुझे पूरा का पूरा एक चार्टर प्लेन नज़र आ गया जिसको मैं आर्मी म्यूजियम के अंदर देख के बहुत हैरान हुआ। एंड दिस इज़ अ स्ट्रगल मेड बाई मी जिसमें मैं अपनी बहन को कन्विंस करता हूँ कि इस टैंक के ऊपर बैठ जाए और हमें पिक्चर ले रहे हैं। अल्लाह हाफिज़ गाइज, सी यू इन अनदर वीडियो।